आदाब नाजरीन, मैं हूं अब्दुल हई खान। पेश है आज की खास खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने हाल ही में हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। हिंदुस्तान ने इस पर सख्त रद्देअमल का इजहार किया है। हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान में अकलियतों के बारे में किए गए तबसरों की शदीद मजम्मत करते हैं। ये गलत मालूमात है और नाकाबिल कबूल है। अकलियतों पर तबसरा करने वाले ममालिक को मशवरा दिया जाता है कि वो दूसरों के बारे में कोई तबसरा करने से पहले अपने रिकॉर्ड की जांच कर लें। ये पहला मौका नहीं है कि किसी ईरानी रहनुमा ने ऐसी बात कही हो। इससे पहले भी ईरानी रहनुमा हिंदुस्तान में अकलियतों के बारे में बात कर चुकी है। साल 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को मंसूख करने के नरेंद्र मोदी की हुकूमत के फैसले पर रद्देअमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि हमें कश्मीर में मुसलमानों की सूरत हाल पर तशवीश है। हमारे हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत कश्मीर के अच्छे लोगों के लिए सही पॉलिसी लाएगी और खित्ते में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को रोकेगी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान में अकलियतों पर तबसरा करने वाले ममालिक को दूसरों के बारे में कोई तबसरा करने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान में अकलियतों के बारे में किए गए तबसरों की शदीद मजम्मत करते हैं। ये गलत मालूमात पर मबनी है। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान और ईरान के करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरसों में ज़्यादा कशीदगी नहीं रही। जुलाई के महीने में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की थी। वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि गडकरी ने ओहदा संभालने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नेक ख्वाहिशात उनको पहुँचाई थीं। गडकरी ने ईरानी हुकाम से बातचीत की थी। यहाँ दोनों फरीकों ने दोतरफा ताल्लुकात की हैसियत के साथ साथ चाबहार बंदरगाह की तरक्की के लिए तआवुन का ऐलान भी किया था।